कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सवालों में इन दिनों बीजेपी घिरती जा रही है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जाने के आरोप लगाए हैं। प्रियंका ने के इन आरोपों के बाद से आईटी मंत्रालय एक्शन में आ गया है और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से सवाल जवाब किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मामले में संज्ञान लेते हुए आईटी मंत्रालय इसकी जाँच के आदेश भी दे सकता है। आपको बता दें कि इस मामले को आईटी मंत्रालय ने पूरी गंभीरता से लिया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में इंस्टाग्राम से जानकारी भी मांगी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आईटी विभाग की छापेमारी की गई थी, उसके बाद से लगातार प्रियंका गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया कि उनके बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया है। तो इंस्टाग्राम से क्या कुछ सवाल जवाब होंगे ये आपको बता देते हैं। कब प्रियंका गांधी के बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ ये पूछा जाएगा इंस्टाग्राम से। तो ये सवाल जवाब इंस्टाग्राम से होंगे। कब प्रियंका गांधी के बच्चों के इंस्टाग्राम हैक होने की जानकारी इंस्टाग्राम को दी गई ये सवाल भी यहां पर पूछा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि किसने बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक किया ये भी यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा। क्या कोई आपत्तिजनक पोस्ट बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट से किया गया था जो उसके बाद इंस्टाग्राम हैक किया गया ये भी पूछा जाएगा। कितना समय इंस्टाग्राम हैंडल को वापस हासिल करने में लगा। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो यहाँ पर अब आपको बता दें पूछे जाएंगे इंस्टाग्राम से। और इन दिनों यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने सरकार पर हैकिंग का आरोप लगा दिया है, जिस पर अब मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि प्रियंका ने विपक्षी नेताओं के फोन टेपिंग किए जाने के आरोपों में के बारे में पूछे जाने पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि फोन टेपिंग छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक किए जा रहे हैं। तो बीजेपी नेता संदीप दुबे हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। संदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ बिल्कुल मिल रही है। आपको मिल रही है? जी 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 मिल रही है। संदीप जी, आपकी पार्टी पर बार बार आरोप लग रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं पर के घर पर छापेमारी हुई तो आरोप आप पर लग गया। अब प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि आपकी सरकार ने उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करवा दिए हैं। मुझे थोड़ी सी आश्चर्य हो रही है, जिन लोगों ने इतने लंबे समय तक सरकारें चलाई हैं और कई प्रदेशों में उनकी सरकार है, उनको चाहिए कि इस तरह की कोई भी घटना किसी के साथ भी घट रही है या घटित होती है तो तुरंत साइबर सेल में कंप्लेंट करें, थाने में जाके कंप्लेंट करें और तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। अब प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास और कोई काम नहीं है कि उनका जो अकाउंट है इस तरह की हैकिंग हो या हैकिंग भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं के साथ, उनकी व्यवसायिक के साथ। ये इस तरह का गिरोह है जो देश और विदेश में भी सक्रिय है, उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होगी। और मैं प्रियंका जी को कहूंगा कि वो इस देश की एक अच्छी नागरिक है, नागरिक होने के नाते थाने में जाएं और थाने में क्रिमिनल कंप्लेंट करें। अगर उनको लगता है कि वो क्रिमिनल कंप्लेंट कांग्रेस के कोई लोग नहीं बना सकते तो हम लोग से सहयोग ले सकती है, हम लोग उनके तरफ से वो प्रूफ दें, हम क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल करेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल संदीप जी, लेकिन देखिए इस तरह की बातें, इस तरह के मुद्दे चुनाव से पहले ही क्यों सामने आते हैं? चाहे फिर वो किसी नेता के घर पर छापेमारी क्यों ना हो या फिर किसी का अकाउंट क्यों ना हैक हो। देखिए, जो चोरी करेगा चोर के दाढ़ी में तिनका, वो डरा ही रहेगा। तो हमेशा इस तरह की कोई भी घटनाएं होती है उसको राजनीतिक स्वरूप इसलिए दे दिया जाता है कि चोरी का राजनीतिकरण हो गया। पहले राष्ट्र का प्राधिकरण था, अब चोरी का भी राजनीतिकरण हो गया। तो आप राजनीति में आके अगर चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे तो आप बच सकते हैं, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ये सोच निरर्थक है और सार्थक लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह की कार्रवाई हमारी एजेंसियों को करते रहना चाहिए। और ये तो इंडिपेंडेंट एजेंसियां, जांच एजेंसियां, कानून तो आज जो जजेस बैठे हुए हैं देश के किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेके और पूरे देश में, वो कांग्रेस के राज में ही ज्यादातर 90% नियुक्त हुए हैं। तो इस तरह की एलिगेशंस लगाना, इस तरह की न्यायपालिका पे दोष देना, कार्यपालिका पे दोष देना, आप संसद में सरकार को दोष करना, कुछ काम करने दीजिए और रचनात्मक सोच रखिए
मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हम सबके अच्छे और बुरे कार्यों से राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर बेहतर अपने समाज और देश के लिए करने की कोशिश हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए। और प्रियंका जी अच्छी हैं, उनको तुरंत एक अच्छे नागरिक होने के नाते तुरंत थाने में जाके इसका कंप्लेंट करना चाहिए। बिल्कुल संदीप जी, कंप्लेंट तो करनी चाहिए, लेकिन अब सरकार भी तो इंस्टाग्राम से सवाल करने के लिए तैयार है कि हम पूछेंगे सवाल कि आखिर कैसे ये हैक हुआ अकाउंट और क्या कुछ इसके पीछे वजह रही। फिर क्यों, देखिए शिकायत भले ही उन्होंने की हो या ना की हो, उनकी तरफ से ये कह दिया गया कि मेरे बच्चों के अकाउंट हैक कर लिए गए, अब सरकार भी तो सवाल करने के लिए आईटी विभाग पूरी तरह से तैयार है कि इंस्टाग्राम से सवाल पूछे जाएंगे। तो इस तरह के देखिए चुनाव बेहद नज़दीक है, राजनीति यहाँ पर हो रही है, बयानबाजी यहाँ पर हो रही है, लेकिन बच्चों का क्या काम आ गया इस राजनीति में? नहीं, बच्चों का काम नहीं, ये कोई जानबूझ के किया हुआ काम नहीं, ये चोर और ऐसे कई गिरी सक्रिय हैं। आपको पता है देश में हजारों हजार की संख्या में कि रोज इस तरह के फेसबुक इंस्टाग्राम हैकिंग के FIR लॉज हो रहे हैं और पुलिस खुद इन सब चोरों को ढूंढ ढूंढ के जेल में डाल रही है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ले लीजिए, ये नया युग है, इसमें इस तरह की घटनाएं इसलिए होती है कि ये जो चोर होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, भारत के बाहर से IP एड्रेस के माध्यम से करते हैं, तो इनकी जाँच होगी और एजेंसियों पर भरोसा रखे, उनको न्याय मिलेगा। चलिए ठीक है संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी ये आरोप लगाया है कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हैक कर लिया गया है। दरअसल जब पूरी जानकारी मंत्रालय को मिल जाएगी तो जो जरूरी होने पर इस मामले की अलग से जाँच करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं, ये बातें सामने आ रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर अब प्रियंका गांधी के आरोप पर IT मंत्रालय के सक्रिय होने से राजनीति भी अब शुरू हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।